तो दोस्तों प्राइम वीडियो की तरफ से दो मूवी अप्रैल में हमें देखने को मिलने वाली है पहली मैंने आपको एक तरह से जिस वीडियो को एक तरह से मूवी जो रिलीज हुई है उसकी एक तरह से लिंक मैंने आई बटन पर दे दी है और साथ ही साथ दूसरी जो मूवी रिलीज होने वाली है उसका टाइटल है हाउ टू डेट बिलीव वेल्स जी हाँ दोस्तों ये जो मूवी है ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है और दूसरी म्यूजिका नाम की मूवी देखने को मिली थी वो भी एक तरह से कॉमेडी मूवी थी दोनों ही मूवी प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है ये पाँच अप्रैल दो को एक तरह से लाइव कर दी जाएगी तो इसी मूवी के बारे में आज सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हो तो वीडियो को लाइक कर दे उसके बारे में जानना चालू करते हैं हाउ टू डेट बिली वॉल्श 2024 मूवी सेबेस्टियन थियोडोर केम्बल क्रॉफ्ट जन्म 16 दिसंबर 2001 एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स 2016 में यंग नेड स्टार के रूप में टेलीविजन पर डेब्यू करने से पहले उन्होंने मंच पर एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया एक उन्होंने हॉरिबल हिस्ट्रीज द मूवी रॉटन रोमन्स 2019 में एक्टी के रूप में अपनी भूमिका के लिए बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड नामांकन अर्जित किया दो तीन क्रॉफ्ट की आवाज में फिल्म वेयर इज एनी फ्रैंक 2021 हज़ार इक्कीस आइस नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी वह डेथ एंड रोबोट्स 2021 की एक किस्त और गेम हॉगवर्ट्स में खिलाड़ी के चरित्र के लिए आवाज विकल्प एक शामिल है परंपरा 2022 से 2023 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज हार्ट स्टॉपर में बेन होप के रूप में अभिनय किया प्रारंभिक जीवन क्रॉफ्ट का जन्म 16 दिसंबर 2001 को हुआ था चार उद्धरण वांछित क्रॉफ्ट का नाम लॉर्ड सेबेस्टियन फ्लाइट के नाम पर रखा गया था जो एवलिन वॉके उपन्यास ब्रिजेशेड रिविजिटेड के मुख्य पात्रों में से एक थे पांच जब वह सात साल के थे तब उन्होंने स्टेज कोच की एबिंगडन ऑन थेम्स शाखा में अभिनय कक्षाएं लेना शुरू किया छह और माइकल जेवियर के एमएक्स मास्टर क्लास में जिसके क्राफ्ट अब संरक्षक हैं साथ उन्होंने प्रिपेरिटरी स्कूल के लिए ड्रैगन स्कूल आठ और जीसीएसई के लिए सेंट एडवर्ड स्कूल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की नौ no. दस उन्होंने अंग्रेजी दर्शनशास्त्र और फिल्म में इलेवल पूरा किया ग्यारह कैरियर रंगमंच क्रॉफ्ट ने अपना पहला वेस्ट एंड स्टेज प्रदर्शन 2010 में सैम मेंडेस के प्रोडक्शन ओलिवर में किया था थिएटर रॉयल ड्र्यूरी लेन एक दो, दो शून्य एक एक में उन्हें लेस मिजरेबल्स मीन्स थिएटर में गैवरोज के रूप में चुना गया था क्रॉफ्ट को बाद में निर्माता कैमरून मैकिनटोश ने ओलिवर में लौटने के लिए चुना था इस बार उन्होंने 18 महीने तक यूके टूरिंग कंपनी में शीर्षक भूमिका निभाई 2013 में क्रॉफ्ट ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के प्रोडक्शन मटिल्डा कैम्ब्रिज थिएटर में टॉमी की भूमिका निभाई तेरह एक किशोर के रूप में उनका अंतिम संगीत प्रदर्शन द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल लीसेस्टर कर्व के विश्व प्रीमियर प्रोडक्शन की शीर्षक भूमिका में था प्रमुख संगीत थिएटर कार्यशालाओं में शामिल हैं आई कांट सिंह द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल बम्बल स्क्रैच चौदह डैनी हीरो और द ब्रेल लिगेसी पंद्रह प्रमुख एक रात का इस संगीत कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में शामिल हैं रैग्स द म्यूजिकल लिरिक थिएटर सोलह और एमिली सैंडे और लॉरा राइट के साथ एक चैरिटी कॉन्सर्ट जून 2016 में क्रॉफ्ट ट्राफलगर स्क्वायर में बम्बल स्क्रैच की वेस्ट एंड लाइव प्रस्तुति में दिखाई दिए सत्रह 2014 में क्रॉफ्ट के गायन को टॉम हिडलेस्टन के साथ नेशनल थिएटर लाइव के कोरियोलेनस डोनमर वेयरहाउस के प्रोडक्शन में प्रदर्शित किया गया था तेरा क्रॉफ्ट ने एमिल टिशबीन की शीर्षक भूमिका में एमिल एंड द दे डिटेक्टिव्स नेशनल थिएटर नाटक पर कार्यशाला की 2016 में क्रॉफ्ट को शेक्सपियर के किंग जॉन रोज थिएटर के सर ट्रेवर नन के प्रोडक्शन में प्रिंस आर्थर की भूमिका में लिया गया था 18 जिसके लिए क्रॉफ्ट को राष्ट्रीय प्रेस से उच्च प्रशंसा मिली 19 2023 में आठ वर्षों में अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति में बीस क्रॉफ्ट डेम एलिन एटकिंस के साथ मिनरवा थिएटर चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर में एमी हर्जोग के नाटक चार हजार माइल्स में दिखाई दिए फिल्म और टेलीविज़न 2016 में क्रॉफ्ट आईटीवी और फॉक्स श्रृंखला हॉर्डिनी और डॉयल और स्काई अटलांटिक और शोटाइम श्रृंखला पेनी ड्रेडफुल में दिखाई दिए क्रॉफ्ट एच बी श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के छठे सीजन में एक युवा एडवर्ड स्टार्क एक वयस्क के रूप में सीन बीन और एक युवा वयस्क के रूप में रॉबर्ट अरामायो द्वारा चित्रित की भूमिका निभाकर प्रमुखता से उभरे एक क्रॉफ्ट ने 2017 में द हिप पोपोटेमस में यंग डेविड लोगन के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की वह 2019 की फिल्मों म्यूजिक वॉर एंड लव और हॉरेबल हिस्ट्रीज द मूवी रॉटन रोमांस में क्रमशः यंग रॉबर्ट पुलास्की और एक्टी के रूप में दिखाई दिए जिनमें से बाद में उन्हें यंग परफॉर्मर श्रेणी में बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड के लिए नामांकन मिला दो क्रॉफ्ट ने एनिमेटेड फंतासी फिल्म वेयर इज एनी फ्रैंक में पीटर वैन डैन को आवाज दी जिसका प्रीमियर 2021 हजार कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ उन्होंने क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार विजेता एपिसोड आइस में नेटफ्लिक्स एनिमेटेड एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स के वॉल्यूम टू में अपनी आवाज दी क्रॉफ्ट और टाई टेनेंट को डीसी यूनिवर्स श्रृंखला डूम पेट्रोल के सीजन तीन में क्रमशः डेड बॉय जासूस चार्ल्स रोलैंड और एडविन पेन के रूप में चुना गया था अप्रैल दो में यह घोषणा की गई थी कि क्रॉफ्ट 2022 हज़ार बाईस नेटफ्लिक्स श्रृंखला हार्ट स्टॉपर में बेन होप की भूमिका निभाएंगे जो एलिस ओस्मैन द्वारा इसी नाम के वेबकॉमिक और ग्राफ़िक उपन्यास का रूपांतरण है 22 उस वर्ष के अंत में वह 28 अक्टूबर 2022 को इटली में रिलीज हुई हॉरर फंतासी फ़िल्म डैम्पियर के कलाकारों का हिस्सा थे तेईस क्रॉफ्ट की अमेजन प्राइम के लिए युवा वयस्क रोमांटिक कॉमेडी हाउ टू डेट बिली वॉल्श में एक आगामी भूमिका है 24 अगस्त 2023 में यह पुष्टि की गई कि क्रॉफ्ट हार्ट स्टॉपर के तीसरे सीजन में बेन होप के रूप में नहीं लौटेंगे यह देखते हुए कि उनके चरित्र की कहानी दूसरे सीजन के सातवें एपिसोड में समाप्त हो गई थी पच्चीस नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि क्रॉफ्ट निक फ्रॉस्ट और एस्लिंग बी के साथ फिल्म वाल्टा में अभिनय कर रहे थे छब्बीस नवंबर 2023 में क्रॉफ्ट आगामी बीबीसी अपराध नाटक श्रृंखला डोप गर्ल्स के कलाकारों में शामिल हो गए सत्ताईस व्यक्तिगत जीवन क्रॉफ्ट को डिसलेक्सिया है दो आठ दो नौ दो शून्य दो दो में प्राइड मंथ के लिए क्रॉफ्ट ने ट्वीट किया कि उन्होंने दो समलैंगिक डायनासोरों को चूमते हुए एक टी शर्ट डिज़ाइन की है जो सभी को याद दिलाती है कि क्वीर हमेशा से यहां रहा है तीस क्रॉफ्ट के अनुसार इन बिक्री का सारा पैसा चॉइस लव और रेनबो रेलरोड एलजीबीटी शरणार्थियों की मदद करने वाली दो चैरिटी संस्थाओं को जाना था इक्तीस बत्तीस फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2017 हजार सत्रह दरियाई घोड़ा युवा डेविड लोगन 2019 भयानक इतिहास मूवी रॉटेन रोमन्स अति मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा युवा रॉबर्ट पुलास्की पूर्व शीर्षक संगीत युद्ध और प्रेम 2021 हजार एनी फ्रैंक कहा है पीटर वान दान आवाज की भूमिका स्कूल हमेशा के लिए बंद प्यूग 2022 हजार बाईस डैम्पियर यूरी दो हजार तेईस वंडरवेल डेनियल दो बिली वॉल्श को कैसे डेट करें आर्ची डाक उत्पादन 2024 हज़ार चौबीस स्वाल्टा डाक उत्पादन सेबेस्टियन थियोडोर केम्बल क्रॉफ्ट जन्म 16 दिसंबर 2001 एक अंग्रेज़ी अभिनेता हैं गेम ऑफ थ्रोन्स 2016 में यंग नेड स्टार के रूप में टेलीविज़न पर डेब्यू करने से पहले उन्होंने मंच पर एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया एक उन्होंने हॉरेबल हिस्ट्रीज द मूवी रॉटन रोमस 2019 में एक्टी के रूप में अपनी भूमिका के लिए बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड नामांकन अर्जित किया दो तीन क्रॉफ्ट की आवाज में फिल्म वेयर इज एनी फ्रैंक 2021 आइस नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स 2021 की एक किस्त और गेम हॉगवर्ट्स में खिलाड़ी के चरित्र के लिए आवाज विकल्प एक शामिल है परंपरा 2022 से 2023 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज हार्ट स्टॉपर में बेन होप के रूप में अभिनय किया प्रारंभिक जीवन क्रॉफ्ट का जन्म 16 दिसंबर 2001 को हुआ था चार उद्धरण वांछित क्रॉफ्ट का नाम लॉर्ड सेबेस्टियन फ्लाइट के नाम पर रखा गया था जो एवलिन वॉके उपन्यास ब्रिजेशेड रिविजिटेड के मुख्य पात्रों में से एक थे पांच जब वह सात साल के थे तब उन्होंने स्टेज कोच की एबिंगडन ऑन थेम्स शाखा में अभिनय कक्षाएं लेना शुरू किया छह और माइकल जेवियर के एमएक्स मास्टर क्लास में जिसके क्राफ्ट अब संरक्षक हैं सात उन्होंने प्रिपेरेटरी स्कूल के लिए ड्रैगन स्कूल आठ और जीसीएसई के लिए सेंट एडवर्ड स्कूल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की नौ no. दस उन्होंने अंग्रेजी दर्शनशास्त्र और फिल्म में इलेवल पूरा किया ग्यारह कैरियर रंगमंच क्रॉफ्ट ने अपना पहला वेस्ट एंड स्टेज प्रदर्शन 2010 में सैम मेंडेस के प्रोडक्शन ओलिवर में किया था थिएटर रॉयल ड्र्यूरी लेन एक दो, दो शून्य एक एक में उन्हें लेस मिजरेबल्स मीन्स थिएटर में गैवरोज के रूप में चुना गया था क्रॉफ्ट को बाद में निर्माता कैमरून मैकितोश ने ओलिवर में लौटने के लिए चुना था इस बार उन्होंने 18 महीने तक यूके टूरिंग कंपनी में शीर्षक भूमिका निभाई 2013 में क्रॉफ्ट ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के प्रोडक्शन मटिल्डा कैम्ब्रिज थिएटर में टॉमी की भूमिका निभाई तेरह एक किशोर के रूप में उनका अंतिम संगीत प्रदर्शन द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल लीसेस्टर कर्व के विश्व प्रीमियर प्रोडक्शन की शीर्षक भूमिका में था प्रमुख संगीत थिएटर कार्यशालाओं में शामिल हैं आई कांट सिंह द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल बंबल स्क्रैच चौदह डैनी हीरो और द ब्रेल लिगेसी पंद्रह प्रमुख एक रात का इस संगीत कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में शामिल हैं रैग्स द म्यूजिकल लिरिक थिएटर सोलह और एमिली सैंडे और लॉरा राइट के साथ एक चैरिटी कॉन्सर्ट जून 2016 में क्रॉफ्ट ट्राफलगर स्क्वायर में बम्बल स्क्रैच की वेस्ट एंड लाइव प्रस्तुति में दिखाई दिए सत्रह 2014 में क्रॉफ्ट के गायन को टॉम हिडलेस्टन के साथ नेशनल थिएटर लाइव के कोरियोलेनस डोनमर वेयरहाउस के प्रोडक्शन में प्रदर्शित किया गया था तेरा क्रॉफ्ट ने एमिल टिशबीन की शीर्षक भूमिका में एमिल एंड द दे डिटेक्टिव्स नेशनल थिएटर नाटक पर कार्यशाला की 2016 में क्रॉफ्ट को शेक्सपियर के किंग जॉन रोज थिएटर के सर ट्रेवर नन के प्रोडक्शन में प्रिंस आर्थर की भूमिका में लिया गया था 18 जिसके लिए क्रॉफ्ट को राष्ट्रीय प्रेस से उच्च प्रशंसा मिली 19 2023 में आठ वर्षों में अपनी पहली स्टेज प्रस्तुति में बीस क्रॉफ्ट डेम एलिन एटकिंस के साथ मिनरवा थिएटर चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर में एमी हर्जोग के नाटक चार हजार माइल्स में दिखाई दिए फिल्म और टेलीविजन 2016 में क्रॉफ्ट आईटीवी और फॉक्स श्रृंखला हॉर्डिनी और डॉयल और स्काई अटलांटिक और शोटाइम श्रृंखला पेनी ड्रेडफुल में दिखाई दिए क्रॉफ्ट एच श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के छठे सीजन में एक युवा एडवर्ड स्टार्क एक वयस्क के रूप में सीन बीन और एक युवा वयस्क के रूप में रॉबर्ट अरामायो द्वारा चित्रित की भूमिका निभाकर प्रमुखता से उभरे एक क्रॉफ्ट ने 2017 में द हिप पो में यंग डेविड लोगन के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की वह 2019 की फिल्मों म्यूजिक वॉर एंड लव और हॉरेबल हिस्ट्रीज़ द मूवी रॉटन रोमन्स में क्रमशः यंग रॉबर्ट पुलास्की और एट्टी के रूप में दिखाई दिए जिनमें से बाद में उन्हें यंग परफॉर्मर श्रेणी में बाफ्टा चिल्ड्रन अवार्ड के लिए नामांकन मिला दो क्रॉफ्ट ने एनिमेटेड फंतासी फिल्म फेयर इस एनी फ्रैंक में पीटर वैन डैन को आवाज़ दी जिसका प्रीमियर 2021 हज़ार कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ उन्होंने क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार विजेता एपिसोड आइस में नेटफ्लिक्स एनिमेटेड एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स के वॉल्यूम टू में अपनी आवाज दी क्रॉफ्ट और टाई टेनेंट को डीसी यूनिवर्स श्रृंखला डूम पेट्रोल के सीजन तीन में क्रमशः डेड बॉय जासूस चार्ल्स रोलैंड और एडविन पेन के रूप में चुना गया था अप्रैल दो में यह घोषणा की गई थी कि क्रॉफ्ट 2022 हज़ार बाईस नेटफ्लिक्स श्रृंखला हार्ट स्टॉपर में बेन होप की भूमिका निभाएंगे जो एलिस ओस्मैन द्वारा इसी नाम के वेबकॉमिक और ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है 22 उस वर्ष के अंत में वह 28 अक्टूबर 2022 को इटली में रिलीज हुई हॉरर फंतासी फ़िल्म डैम्पियर के कलाकारों का हिस्सा थे तेईस क्रॉफ्ट की अमेजन प्राइम के लिए युवा वयस्क रोमांटिक कॉमेडी हाउ टू डेट बिली वॉल्श में एक आगामी भूमिका है 24 अगस्त 2023 में यह पुष्टि की गई कि क्रॉफ्ट हार्ट स्टॉपर के तीसरे सीजन में बेन होप के रूप में नहीं लौटेंगे यह देखते हुए कि उनके चरित्र की कहानी दूसरे सीजन के सातवें एपिसोड में समाप्त हो गई थी पच्चीस नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि क्रॉफ्ट निक फ्रॉस्ट और एसलिन बी के साथ फिल्म स्वाल्टा में अभिनय कर रहे थे छब्बीस नवंबर 2023 में क्रॉफ्ट आगामी बीबीसी अपराध नाटक श्रृंखला डोप गर्ल्स के कलाकारों में शामिल हो गए सत्ताईस व्यक्तिगत जीवन क्रॉफ्ट को डिसलेक्सिया है दो आठ दो नौ दो शून्य दो दो में प्राइड मंथ के लिए क्रॉफ्ट ने ट्वीट किया कि उन्होंने दो समलैंगिक डायनासोरों को चूमते हुए एक टी शर्ट डिज़ाइन की है जो सभी को याद दिलाती है कि क्वीर हमेशा से यहां रहा है तीस क्रॉफ्ट के अनुसार इन बिक्री का सारा पैसा चॉइस लव और रेनबो रेलरोड एलजीबीटी शरणार्थियों की मदद करने वाली दो चैरिटी संस्थाओं को जाना था इक्कीस बत्तीस फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2017 हजार सत्रह दरियाई घोड़ा युवा डेविड लोगन 2019 भयानक इतिहास मूवी रॉटेन रोमन्स अति मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा युवा रॉबर्ट पुलास की पूर्व शीर्षक संगीत युद्ध और प्रेम दो हजार इक्कीस एनी फ्रैंक कहा है पीटर वान दान आवाज की भूमिका स्कूल हमेशा के लिए बंद प्यूग दो हजार बाईस डैम्पियर यूरी दो हजार तेईस वंडरवेल डेनियल दो हजार चौबीस बिली वॉल्श को कैसे डेट करें आर्ची डाक उत्पादन 2024 हज़ार स्वाल्टा डाक उत्पादन टान्नर इमैनुएल बुकानन जन्म 8 दिसंबर उन्नीस सौ एक अमेरिकी अभिनेता हैं उन्हें एबीसी राजनीतिक नाटक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में लियो किरकमैन और नेटफ्लिक्स श्रृंखला कोबरा काई में रॉबी कीन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है उन्हें निकलोडियन टेलीविज़न श्रृंखला गेम शेकर्स में मेसन कैंडल की भूमिका के लिए भी जाना जाता है प्रारंभिक जीवन बुकानन का जन्म 8 दिसंबर उन्नीस को लीमा ओहियो में हुआ था एक उनके माता पिता स्टीव और मार्लोना बुकानन हैं। बुकानन के नाना फिलिपिनो थे उनका पालन पोषण एक ईसाई घराने में हुआ और उन्होंने ओहियो के ग्लैंडोर्फ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स चले गए दो तीन कैरियर बुकानन ने 2010 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति मॉडर्न फैमिली श्रृंखला में एक बच्चे की भूमिका निभाते हुए की वह टीवी शो ग्रेज एनाटॉमी मेजर क्राइम्स गोस्ट गर्ल्स द गोल्डबर्ग्स ग्रोइंग अप फिशर मिक्सोलॉजी फुलर हाउस और डिप्टी में दिखाई दिए हैं चार 2011 में बुकानन को ट्रेसिया ओकेली मिमी कैनेडी बेकी न्यूटन शेन मैकरे और इवान हर्नांडेज के साथ कॉमेडी टेलीविजन फिल्म अनटाइटल्ड जेफ और जैकी फिल्गो प्रोजेक्ट में कास्ट किया गया था जिसमें उन्होंने जिमी की मुख्य भूमिका निभाई थी पांच दो हजार बारह में बुकानन टीवी फिल्म द रियल सेंट निक में सिनिकल किड के रूप में दिखाई दिए छह सात दो हजार तेरह में बुकानन ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म जेक स्क्वेड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की जिसमें उन्होंने सैमी की भूमिका निभाई आठ सितंबर दो हजार पंद्रह में उन्होंने डिज्नी चैनल की गर्ल मीट्स वर्ल्ड में चार्ली गार्डनर की भूमिका निभाई और निकलोडियन के गेम शेकर्स में मेसन कैंडल की भूमिका भी निभाई दस दो हजार सोलह में बुकानन ने टेलीविजन पर अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई राजनीतिक ड्रामा श्रृंखला डिजाइनेड सर्वाइवर में लियो किरकमैन की भूमिका निभाई ग्यारह बारह उसी वर्ष उन्होंने पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला द फोस्टर्स में आवर्ती चरित्र जैक डाउनी को चित्रित किया है तेरह चौदह दो हजार सत्रह में बुकानन रोमांटिक ड्रामा फिल्म एनीथिंग में जैक सचमैन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए 2018 में उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम और बाद में नेटफ्लिक्स श्रृंखला कोबरा काई में जॉनी लॉरेंस के अलग बेटे रॉबी कीन की भूमिका निभाना शुरू किया हजार उन्नीस में बुकानन ने विज्ञान फाई थ्रिलर फिल्म मैक्स विंसलो और हाउस ऑफ सीक्रेट्स में सहायक भूमिका निभाई उन्हें 2019 हजार कनाडाई इंटरनेशनल फेथ एंड फैमिली फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था 17-18 उसी वर्ष उन्होंने डेमियन रोमे की थ्रिलर टेलीविजन फिल्म सिनेस्टर सेडक्शन में क्रिस्टीना क्लेबे सेबेस्टियन कैबानास और कार्सन रोलैंड के साथ डायलन के रूप में अभिनय किया उन्नीस बीस दो हज़ार बीस की शुरुआत में बुकानन ने जॉन बी क्राय द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म चास में कोल्टन की भूमिका निभाई जो 22 मई 2020 को अमेलिया ओहियो में स्टारलाइट ड्राइव में रिलीज हुई थी इक्कीस बाईस दो में बुकानन ने एडिसन राय के साथ शीज ऑल दैट के रीमेक में अभिनय किया तेईस चौबीस उन्होंने कैमरून क्वेलर की मुख्य भूमिका निभाई पच्चीस कुणाल नयर बटा के एन एल एन ए आर बटा एक कुनेल एन वाय आर जन्म तीस अप्रैल उन्नीस सौ इक्यासी एक ब्रिटिश मूल के भारतीय अभिनेता हैं। दो उन्हें सीबीएस सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी दो शून्य शून्य सात दो शून्य एक नौ में राजकुथ्राप्पली के किरदार से पहचान मिली और निकलोडियन एनिमेटेड सिटकॉम संजय एंड क्रेग दो शून्य एक तीन दो शून्य एक छः में विजय की आवाज़ दी क्रिमिनल यूके में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2021 ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था फोर्ब्स ने उन्हें क्रमशः 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ 2015 और 2018 में दुनिया के तीसरे सबसे अधिक भुगतान वाले टेलीविजन अभिनेता के रूप में सूचीबद्ध किया तीन चार उनकी वर्तमान कुल संपत्ति 45 मिलियन डॉलर आकी गई है पांच प्रारंभिक जीवन नयर का जन्म 30 अप्रैल 1981 को लंदन के हैमर स्मिथ में भारतीय पंजाबी आप्रवासियों के एक परिवार में हुआ था छे जब वह तीन साल के थे तो उनका परिवार भारत लौट आया और वह नई दिल्ली में पले बढ़े जहां उनके माता पिता रहते हैं सात आठ नौ उन्होंने सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने स्कूल टीम के लिए बैडमिंटन खेला दस ग्यारह 1999 में नयर ओरेगॉन में पोर्टलैंड विश्वविद्यालय से वित्त में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए बारह उन्होंने अभिनय कक्षाएं लेना शुरू कर दिया और अपनी डिग्री पर काम करते हुए कई स्कूल नाटकों में दिखाई दिए नौ अमेरिकन कॉलेज थिएटर फेस्टिवल में भाग लेने के बाद नयर ने अभिनेता बनने का फ़ैसला किया इसके बाद उन्होंने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में टेम्पल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जहां उन्होंने अभिनय में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की 13. कैरियर 2008 में द बिग बैन थ्योरी के दौरे पर नयर स्नातक होने के बाद नयर को अमेरिकी टेलीविजन विज्ञापनों और लंदन मंच पर नाटकों में काम मिला चौदह उन्होंने पहली बार राजीव जोसेफ़ के 2006 के नाटक हक एंड होल्डन के वेस्ट कोस्ट प्रोडक्शन में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका में ध्यान आकर्षित किया जहां उन्होंने घर लौटने से पहले अमेरिकी संस्कृति का अनुभव करने के लिए उत्सुक एक भारतीय विनिमय छात्र का किरदार निभाया था एक तीन दो शून्य शून्य छः में नायर ने अरुण दास के साथ मिलकर नाटक कॉटन कैंडी लिखा जिसका नई दिल्ली में सकारात्मक समीक्षा के साथ प्रीमियर हुआ पंद्रह नयर ने सीबीएस नाटक एनसीआईएस के सीजन चार एपिसोड सस्पेशन में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने एक इराकी आतंकवादी यूसुफ जिदान की भूमिका निभाई सोलह 2007 में नयर के एजेंट ने आगामी सीबीएस पायलट में एक वैज्ञानिक की भूमिका के बारे में सुना और उन्हें इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए प्रोत्साहित किया इसके चलते उन्हें सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी में कास्ट किया गया जहां उन्होंने उस साल सितंबर में प्रीमियर से लेकर मई 2019 में शो के समापन तक एक खगोल भौतिकीविद राजकुथराप पली की भूमिका निभाई 2011 में उन्होंने कॉमेडी फेस्टिवल जस्ट फॉर लाफ्स में सह कलाकार साइमन हेलबर्ग के साथ ट्रिब्यूट टू नर्ट्स शो की सह मेजबानी की 18 नयर ने 2012 में आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में गुप्ता को आवाज दी उसी वर्ष के दौरान उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म डॉक्टर कैबी की शूटिंग पूरी की 2013 में उन्होंने बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया जो तीन व्यक्तियों और भारत में क्रिकेट के प्रति उनके प्यार पर केंद्रित था अपनी टीम का समर्थन करने के लिए सुधीर देश भर में बाइक चलाते हैं पृथ्वी एक युवा क्रिकेट प्रतिभाशाली व्यक्ति है और अक्षया मुंबई की झुग्गियों से आने वाली एक महिला क्रिकेटर हैं उन्नीस पाँच मई से उनतीस जून दो हज़ार पंद्रह तक नयर ने ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन दस पॉयल्स में प्रदर्शन किया जो अभिनेता जेसी इसेनबर्ग द्वारा लिखित और अभिनीत थी नयर ने कल्याण नामक एक नेपाली छात्र और नायक बेन के रूममेट की भूमिका निभाई जिसकी भूमिका इसेनबर्ग ने निभाई थी दो शून्य दो शून्य एक छः में उत्पादन लंदन के वेस्ट एंड में स्थानांतरित कर दिया गया नयर ने सितंबर 2015 में अपनी करियर यात्रा के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका शीर्षक यस माई एक्सेंट इज रियल एंड सम अदर थिंग्स आई हैव नॉट टोल्ड यू था नौ no. उन्होंने नवंबर 2016 में रिलीज हुई ड्रीम वर्क में गाय डायमंड नामक एक और एनिमेटेड फ़िल्म चरित्र को आवाज़ दी 2020 में नयर ने नेटफ्लिक्स यूके प्रोडक्शन क्रिमिनल यूके में संदीप नाम के एक दोषी सीरियल किलर की भूमिका निभाई वह सीजन दो के अंतिम एपिसोड में दिखाई दिए जो अगस्त 2020 में रिलीज़ हुआ था उसी वर्ष वह उमा थुरमन के साथ इजरायली थ्रिलर टीवी श्रृंखला फ़ाल्स फ़्लैग पर आधारित एप्पल टीवी प्लस पर थ्रिलर टीवी श्रृंखला संदेह के कलाकारों में शामिल हो गए एलिजाबेथ हेनस्ट्रिज और एलिस गैबे 21 2021 में उन्हें आगामी कॉमेडी ड्रामा द स्टोरीड लाइफ ऑफ एजे फिक्री में लुसी हेल और क्रिस्टीना हैंड्रिक्स के साथ एजे फिक्री की शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चुने जाने की घोषणा की गई थी जो गैब्रियल जेविन के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास का रूपांतरण है बाईस 2024 में नयर बिग बैंग थ्योरी की सहकलाकार मेलिसा राउच के साथ फिर से जुड़े और नाइट कोर्ट के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई तेईस नाइट कोर्ट अस्सी के दशक के इसी नाम के एनबीसी सिटकॉम का रिबूट है राउच ने सिटकॉम में जज एबी स्टोन की भूमिका निभाई है तेईस व्यक्तिगत जीवन दिसंबर 2011 में नयर ने मॉडल और फेमिना मिस इंडिया 2006 नेहा कपूर से शादी की 24 पोर्टलैंड विश्वविद्यालय के अनुसार नयर और उनकी पत्नी ने प्रदर्शन और ललित कला में यूपी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी है और विश्वविद्यालय में अतिथि कलाकारों के लिए भुगतान किया है पच्चीस फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष पतली परत भूमिका निदेशक टिप्पणिया 2004 विज्ञान पिज्जा मैन जॉर्डन नो से दो हजार बारह हिमयुग महाद्वीपीय बहाव गुप्ता स्टीव मार्टिनो और माइक थर्मेयर आवाज 2013 सभी सीमाओं से परे कथावाचक 2014 10 चौदह दस क्रिबलर करीम जॉन सूट डॉ कैबी टोनी जीन फ्रांकोइस पॉलियट 2015 ग्रहण किया हुआ सर्ज नेगानी डेरिल वेन 2016 ट्रोल्स गाय डायमंड माइक मिशेल आवाज 2019 पेट में मिठास डॉक्टर रॉबिन साथी ने बरहेन महरी 2020 हजार ट्रोल्स वर्ल्ड टूर गाय डायमंड वॉल्ट डोहर्न आवाज कुत्ते की तरह सोचो श्री मिस गिलजंगर 2022 एजे फिक्री का ऐतिहासिक जीवन एजे फिक्री हंस कैनोसा दो हजार तेईस ट्रोल्स बैंड टुगेदर गाय डायमंड वॉल्ट डोहर्न आवास छब्बीस दो हजार चौबीस स्पेसमैन पीटर जोहान रिंग टेलीविजन वर्ष श्रृंखला भूमिका टिप्पणिया दो हज़ार सात यूसुफ जिदान प्रकरण संदेह 2007 से 2019 बिग बैंग थ्योरी राज कुथरापाली मुख्य भूमिका 2010 क्रेग फर्ग्यूसन के साथ द लेट लेट शो राज कूथरा पाली दो से 2016 संजय और क्रेग विजय आवाज मुख्य भूमिका 2013 से 2014 सुलिवान और बेटा संजय बटानील एपिसोड लेडीज नाइट सेक्सुअल हीलिंग 2015 हजार द लेट लेट शो मेजबान 25 27 फरवरी द मिंडी प्रोजेक्ट सिंधिल एपिसोड जबकि मैं सो रहा था 2016 हजार सोलह आइस एज द ग्रेट एग स्कैपेड गुप्ता कैमियो बटा फ्लैशबैक टीवी विशेष 2017 हजार सत्रह ट्रोल्स की छुट्टी गाय डायमंड आवाज टीवी विशेष माइक गिराव वह स्वयं एपिसोड मयिन बालिक बनाम कुणाल नयर बटा एश्लेट स्टेल बनाम निकलाची 2020 अपराधी यूके संदीप सिंह नेगो एपिसोड संदीप 2021 हजार ट्रॉल्स हार्मनी में छुट्टिया गाय डायमंड आवाज टीवी विशेष 2022 संदेह आदेश चोपड़ा मुख्य भूमिका 2024 रात्रि दरबार मार्टिनी टोडवालिस सीजन दो एपिसोड सात फैशन का अपराध रंगमंच वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2006 हक और होल्डन नवीन दाहलिया थिएटर लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका लवस लबार स लॉस्ट अन्य भाग रॉयल शेक्सपियर कंपनी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम लवस लबॉर्स लॉस्ट अन्य भाग शेक्सपियर थिएटर कंपनी लैंसबर्ग थिएटर वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका दो हजार पंद्रह लूट कल्याण द परसिंग स्क्वायर सिग्नेचर सेंटर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में नया समूह दो हज़ार सोलह लूट कल्याण ट्राफलगर स्टूडियो लंदन गुलाम दुस्तगीर खान पंजाबी जन्म चौबीस जनवरी उन्नीस सौ छियासी जिन्हें गुज खान के नाम से जाना जाता है एक ब्रिटिश हास्य अभिनेता और अभिनेता हैं उनकी टीवी प्रस्तुतियों में मैन लाइक मोबीन टास्कमास्टर श्रृंखला बारह अवर फ्लैग मीन्स डेथ श्रृंखला एक और लाइव एट द अपोलो पर स्टैंड अप प्रदर्शन शामिल हैं प्रारंभिक जीवन गुस का जन्म 24 जनवरी 1986 को इंग्लैंड के कोवेंट्री में एक पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम खान परिवार में हुआ था उनकी दो बहनें हैं जो उनसे 10 और 11 साल बड़ी हैं तीन जब खान तीन वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई चार खान हिलफील्ड कोवेंट्री में एक हाउसिंग एस्टेट में पले बढ़े पांच और स्टोक पार्क स्कूल में पढ़े उन्होंने कोवेंट्री विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की छह और ग्रेस अकादमी में मानविकी पढ़ाने के लिए चले गए सात सिंधुवी के 2020 बीबीसी कॉमेडी पॉडकास्ट थिंग्स माई मदर नेवर टोल्ड मी लॉकडाउन के बारे में में खान दक्षिण एशियाई समुदाय में पले बढ़े होने और अपनी मां के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तीन कैरियर निर्णायक खान ने अपना पहला वीडियो 2014 में फ़ेसबुक पर अपलोड किया था उसी वर्ष जून में उन्होंने पहली बार बर्मिंगहम रिपर्टरी थिएटर में आमिर रहमान के लिए मंच पर प्रदर्शन किया मंच पर उनका दूसरा मौका बर्मिंगहम बीबीसी एशियन नेटवर्क की लाइब्रेरी में कॉमिक रिलीफ के लिए आयोजित कॉमेडी शाम में सिटीज़न खान के साथ था दो खान ने गुज़ी बियर नाम के मंच के तहत प्रदर्शन किया दो जून 2015 में स्मॉल हीथ में रहने वाले एक मुस्लिम अपने चरित्र मोबीन के रूप में प्रदर्शन करते हुए दो खान ने पाकिसोरस नामक एक वीडियो बनाया जिसमें फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में मुख्य चरित्र पर नकली आक्रोश व्यक्त किया गया था आठ नौ चिल्लाते हुए पंक्ति द पचीस आर आउट ऑफ कंटेनमेंट पचीसे फालोसॉरस का संक्षिप्त रूप आठ दस इसे पाकी का एक होमोफोन मानते हुए जो दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए एक नस्लीय गाली है ग्यारह वीडियो के दौरान खान को यह भी पता चलता है कि पाकिसोरस पाकिस्तान के एक असली डायनासोर का नाम है आठ छह दिनों में वीडियो को यूट्यूब पर तीन लाख चालीस हजार से अधिक बार देखा गया और फेसबुक पर भी इसे सात लाख से अधिक बार देखा गया ग्यारह ट्विटर पर खान के हैशटैग टैग जुरासिक वर्ल्ड ने ध्यान आकर्षित किया बारह तेरह चौदह बर्मिंगहम मेल द्वारा कहानी को प्रचारित करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया में रेडियो स्टेशनों द्वारा खान का साक्षात्कार लिया गया दो स्टैंड अप कॉमेडी दिसंबर 2015 में खान ने बर्मिंगहम में बीबीसी एशियन नेटवर्क की बिग कॉमेडी नाइट में प्रदर्शन किया जो बीबीसी पर एशियाई कार्यक्रमों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाली एक विशेष कॉमेडी नाइट थी पंद्रह सोलह उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को प्रसारित एक एपिसोड में बीबीसी दो स्टैंड अप लाइव एट द अपोलो में भी प्रदर्शन किया है जिसे कॉमेडियन हेनिंग वेहन ने होस्ट किया था सत्रह आलोचकों ने खान को मंच पर उनकी विशिष्ट शैली के लिए मनाया है जिसे ब्रिटिश शहरी इस्लामी कपड़ों और व्यक्तिगत सामानों का मिश्रण के रूप में वर्णित किया गया है अठारह टेलीविजन जून 2015 में खान ने ब्रिटिश मुस्लिम कॉमेडी श्रृंखला के हिस्से के रूप में एक लघु फिल्म रोडमैन रमज़ान बनाई बीबीसी द्वारा कमीशन की गई मुस्लिम हास्य कलाकारों की पांच लघु फिल्में बीबीसी आई प्लेयर पर रिलीज़ की गईं उन्नीस बीस 21 खान का स्केच रमज़ान के लिए एक मार्गदर्शक था दिन के उजाले के दौरान उपवास का इस्लामी महीना जिसमें खान का किरदार मोबीन अपने नए परिवर्तित दोस्त प्रेव को उसके पहले रमज़ान के दौरान मार्गदर्शन करता है जुलाई 2015 में खान ने अपने YouTube क्लिप वायरल होने के बाद कॉमेडी में अपना करियर बनाने के लिए स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी दो नवंबर में उन्होंने कॉमेडी वेब श्रृंखला कॉर्नर शॉप शो के एक एपिसोड में अभिनय किया 2016 में उन्होंने बॉर्डर लाइन में उग्र बैगेज हैंडलर मो खान की भूमिका निभाई 22 दिसंबर 2017 में खान की चार भाग वाली बीबीसी कॉमेडी श्रृंखला मैन लाइक मोबीन बीबीसी आई प्लेयर पर रिलीज हुई थी सात तेईस चौबीस पच्चीस शो की तीन और श्रृंखलाएं तैयार की गई हैं जो 2019, 2020 और 2023 में बीबीसी आई प्लेयर पर जारी की गई छब्बीस सत्ताईस मार्च 2019 में थान हाइपोथेटिकल पर एक अतिथि के रूप में दिखाई दिए 2020 में वह फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल अट्ठाईस उनतीस में दिखाई दिए जो मिंडी कलिंग द्वारा बनाई गई एक लघु श्रृंखला है जो मूल फिल्म की पुनः कल्पना है 31, सितंबर 2021 में खान टास्कमास्टर की बारहवीं श्रृंखला में दिखाई दिए दिसंबर 2021 में खान ब्यूटी एंड द बीस्ट ए पैंटोमाइन फॉर कॉमिक रिलीफ में बोन्जो के रूप में दिखाई दिए जो मूल रूप से रविवार 21 दिसंबर को बीबीसी टू पर प्रसारित हुआ बत्तीस फरवरी 2022 में खान ने बीबीसी वन पर पीकी ब्लाइंडर्स अल्टीमेट रिकैप सुनाया तैतीस मार्च 2022 में खान एचबीओ मैक्स कॉमेडी पायरेट श्रृंखला अवर फ्लैग मीन्स डेथ में दिखाई दिए जहां उन्होंने ब्लैकबीड के चालक दल के सदस्य इवान की भूमिका निभाई खान एकमात्र मुख्य अभिनेता थे जिन्हें शो के दूसरे सीजन से पहले हटा दिया गया था चौंतीस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्वीट किया यह कभी कभी उद्योग है हो सकता है कि वे रचनात्मक रूप से एक अलग दिशा चुन रहे हों हो सकता है कि यह वित्तीय निर्णय हो।, हो सकता है कि वे आपके लड़के को महसूस नहीं कर रहे हों वाणिज्यिक समर्थन जून 2019 में खान स्पाइस गर्ल्स के साथ वॉकर्स के एक विज्ञापन में समूह के सबसे बड़े प्रशंसक देव की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए पैतीस फरवरी 2020 में उबर ईट्स ने यूके व्यापी ब्रांड अभियान शुरू किया जिसमें खान ने सकारात्मकता फैलाने वाले एक करिश्माई कुरियर की भूमिका निभाई छत्तीस फिल्म फरवरी 2017 में खान रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फाइंडिंग फातिमा में रॉकी के रूप में दिखाई दिए सैतीस दो में खान नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो टर्न अप चार्ली में इदरीस एल्बा के साथ दिखाई दिए 28 जिसका प्रीमियर 15 मार्च 2019 को हुआ 38 अप्रैल 2022 में खान फिल्म द बबल के मुख्य कलाकारों में अभिनेता होवी फ्रैंगो पोलस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए राजनीतिक विचार खान ने 2019 के यूके आम चुनाव में लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन का समर्थन किया जिससे लोगों को लेबर को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया उनतालीस चालीस वह फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थक हैं इकतालीस बयालीस व्यक्तिगत जीवन खान एक मुस्लिम हैं दो वह अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ वेस्ट मिडलैंड्स में रहते हैं दो खान मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी के समर्थक हैं तैतालीस फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2017 फातिमा को ढूंढा जा रहा है चट्टान का 2018 पैंथर की तरह चलो टेरी खान 2021 चोरों की सेना रॉल्फ 2022 बुलबुला हावर्ड होवी फ्रेंगोपोलस टेलीविजन टिमोथी रिचर्ड डाउनी जन्म 14 जुलाई 1977 एक अंग्रेजी अभिनेता और लेखक हैं एक उन्हें टेलीविजन श्रृंखला टोस्ट ऑफ लंदन आउटलैंडर और अपस्टार्ट, क्रो और फिल्मों पैडिंगटन और द किंग्स स्पीच के लिए जाना जाता है डाउनी का जन्म जन्महिचिन हर्टफोर्डशायर में हुआ था अपना पेशेवर करियर शुरू करने से पहले उन्होंने माउंटव्यू एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया दो कैरियर टेलीविजन डाउनी की पहली टेलीविज़न उपस्थिति उन्नीस सौ चौरानवे में आईटीवी के पुलिस ड्रामा द बिल के एक एपिसोड में थी इसके बाद आईटीवी की कॉमेडी कॉन्जुगल राइट्स की श्रृंखला के दूसरे प्रीमियर में अतिथि भूमिका निभाई गई तीन उन्नीस सौ छियानवे में वह सीबीबीसी के आउट ऑफ ट्यून के कलाकारों में शामिल हुए जो एक बच्चों का सिटकॉम था जो जेम्स कॉर्डन और जेन डैनसन के साथ एक चर्च गायक मंडल के सदस्य के जीवन पर केंद्रित था चार चैनल चार के सोप ओपेरा होलियोक्स पर सात एपिसोड के एपिसोड में सैम स्मॉलवुड की भूमिका निभाने से पहले वह उन्नीस सौ अट्ठानवे में बीबीसी वन के किशोर गेम शो टू मी टू यू में दिखाई दिए पांच छह इसके बाद वह बीबीसी वन के कोर्ट रूम ड्रामा जज जॉन डीड 2001 के एक एपिसोड में कांस्टेबल होस्किन्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाएंगे सात 2002 में डाउनी बीबीसी की श्रृंखला डॉक्टर्स के कलाकारों में शामिल हो गए उन्होंने नाटक के 112 एपिसोड में एलेक्स नॉर्थ की भूमिका निभाई 8 सितंबर 2004 में उन्हें फॉक्स नेटवर्क की एक्शन बटा कॉमेडी कीन एडी में अतिथि कलाकार के रूप में देखा गया जो लंदन में तैनात एक एनवाईपीडी अधिकारी और बीबीसी की अपराध प्रक्रियात्मक न्यूट्रिक्स पर केंद्रित थी जो अनसॉल्व क्राइम और ओपन केस स्क्वाड लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा का यूसीओएस दस ग्यारह वहां से वह सीबीबीसी के किशोर नाटक एमआई हाई में एस्टेरॉयड अटैक 2008 शीर्षक वाली श्रृंखला के दो समापन और बीबीसी के सिटकॉम द लीजेंड ऑफ डिक एंड डोम में द टीयर्स ऑफ फ़्यूरी नामक श्रृंखला के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाएंगे एक दो एक तीन दो शून्य शून्य नौ में डाउनी ने बीबीसी फॉर के माइक्रोमैन में सह अभिनय किया जो 1980 के ब्रिटिश कंप्यूटर दिग्गज सर क्लाइव सिंक्लेयर और क्रिस करी के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक हास्य वर्णन था जिसमें मार्टिन फ्रीमैन और अलेक्जेंडर आर्मस्ट्राम शामिल थे चौदह अगले दो वर्षों के लिए 2010 और 2011 के बीच डाउनी यूके में टेनेंस लेगर के विज्ञापन अभियान के हिस्से के रूप में टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला में साथी अभिनेता सैम ह्यूगन के साथ अभिनय करेंगे पंद्रह 2011 की शुरुआत में टिम बीबीसी कॉमेडी श्रृंखला द रॉयल बॉडीगार्ड में डेविड जेसन के विपरीत येट्स के रूप में दिखाई दिए जो एक अनाडी अधिकारी के दुस्साहस पर आधारित था जिसे रानी के नए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था 16 उसी वर्ष उन्हें स्काई अटलांटिक की कॉमेडी दिस इस जिन्सी में लिया गया जिसकी पहली श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ स्केच शो के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था सत्रह डाउनी तीन साल बाद दूसरी श्रृंखला में भी दिखाई देंगे एक आठ दो शून्य एक दो में डाउनी कई टेलीविजन प्रस्तुतिये ओ में दिखाई देंगे पहली टेलीविज़न फिल्म द क्रिकलवुड ग्रेट्स थी जो बीबीसी फॉर के लिए शुरुआती ब्रिटिश फ़िल्म उद्योग की एक स्पूफ डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें उन्हें पीटर कैपलडी के साथ अभिनय करते देखा गया था उन्नीस वह अगली बार आईटीवी की लघु श्रृंखला टाइटैनिक के एक एपिसोड में दिखाई देंगे जो त्रासदी की सौवीण वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था बीस डाउनी वर्ष का अंत चैनल चार के बेमेल रूममेट सिटकॉम पीप शो आईटीवी की एंथोलॉजी श्रृंखला लिटिल क्रैकर्स में उपस्थिति के साथ करेंगे जिसमें प्रसिद्ध लोगों की क्रिसमस की यादों के विषय पर घूमती एक एक कॉमेडी या नाटक शामिल थे और तीन में से पहला चैनल चार की कॉमेडी टोस्ट ऑफ लंदन में डैनी बियर के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल 21, बाईस तेईस बीबीसी की कॉमेडी मिरांडा ने 2013 में डाउनी को अतिथि कलाकार के रूप में देखा चौबीस वहां से वह बीबीसी टू के पशु चिकित्सक सिटकॉम हेडिंग आउट में दिखाई दिए ई चार के हिट स्किन्स के दो भाग की श्रृंखला सात प्रीमियर बीबीसी वन के सिटकॉम फादर फिगर में एक नियमित भूमिका और बीबीसी टू के बाफ्टा नामांकित छोटे बच्चों के कार्यक्रम में उपस्थिति मिली पच्चीस छब्बीस सत्ताईस दो आठ दो नौ दो शून्य एक पाँच में टिम ने डेव टीवी की मॉक्यूमेंट्री श्रृंखला हॉफ द रिकॉर्ड में एक कैमियो भूमिका निभाई जो अभिनेता डेविड हसलेहॉफ के जीवन पर आधारित था ती, तीस इकतीस उसी वर्ष वह आईटीवी की मिनी सीरीज जेकेल एंड हाइड के एक एपिसोड और ई चार की साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज स्ट्रिप्ट के तीसरे एपिसोड में दिखाई देंगे बत्तीस तैतीस दाउनी दो हजार सोलह की शुरुआत आईटीवी टू के सिटकॉम क्लिप्स की श्रृंखला तीन में एक भूमिका के साथ करेंगे जो रोम में रहने वाले तीन पुरुषों के कारनामों पर आधारित है चौंतीस वह टेलीविजन के लिए बनी फिल्म यंग हेसिंथ में दिखाई देंगे जो बीबीसी वन के सिटकॉम कीपिंग अपीयरेंस का प्रीक्वल चैनल चार के ऑनलाइन लघु वीडियो वाहन कॉमेडी ब्लैप्स का एक एपिसोड जिसका नाम फिल्चर एंड क्रूक है कॉमेडी के कई एपिसोड होंगे सेंट्रल का ड्रंक हिस्ट्री यूके और बेन एल्टन के चल रहे सिटकॉम अपस्टार्ट क्रोमे क्रिस्टोफर किट मार लो की नियमित भूमिका पैंतीस, छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस अगले वर्ष डाउनी बीबीसी की कॉमेडी काउंट आर्थर स्ट्रॉम के एक एपिसोड में हास्य अभिनेता और लेखक स्टीव डेलाने के साथ ई चार की कॉमेडी ऑफ इनोसेंस च्यूइंग गम के एक एपिसोड में दिखाई दी और कॉमेडी सेंट्रल के सिटकॉम आई लिव विद मॉडल्स का एक एपिसोड इकतालीस बयालीस तैंतालीस 2018 में डाउनी को डायना गैबल्डन के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कॉटिश समय यात्रा उपन्यास आउटलैंडर के स्टार्स के टेलीविजन रूपांतरण में गवर्नर विलियम ट्राइटन के आवर्ती चरित्र और वास्तविक जीवन के ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखा गया चवालीस डाउनी ने 2020 की शुरुआत में लुसी मोंटगोमरी के साथ छह भाग वाली कॉमेडी द जूइश इंक्वायर में कार्यकारी निर्माण और अभिनय किया सैंतालीस छियालीस उस वर्ष बाद में वह निर्माता जस्टिन सब्रेसनी और मार्क बुसेल की यूट्यूब श्रृंखला हाउस बाउंड में दिखाई दिए जो कि कोविड 19 लॉकडाउन के युग में सामान्य जीवन पर केंद्रित था सैतालीस अड़तालीस जनवरी 2022 में यह घोषणा की गई थी कि डाउनी अपनी दूसरी श्रृंखला के लिए अमेजन और बीबीसी के गुड वुमेन्स के कलाकारों में शामिल हो गया है उनचास यह सीरीज़ जुलाई 2023 में रिलीज हुई थी जिसमें डाउनी ने मिस्टर ब्राउन का किरदार निभाया था रेडियो 2021 में डाउनी ने जूर कुक के रेडियो तीन नाटक द राइवल में बिना पैरोडी के किट मार्लो की भूमिका निभाई फिल्म डाउनी की पहली पेशेवर फिल्म भूमिका 2002 की मिस्ट्री थ्रिलर डेडमैंस ड्रीम में निर्देशक अबनेर पास्टोल और कम्मा पास्टोल की थी पचास दो साल बाद वह निर्देशक एमोरी रुएक की लघु फिल्म स्विस पासपोर्ट में अभिनय करेंगे जो 2004 के सोहो के फिल्म फेस्टिवल में स्ट्रेट आर्ट प्रतियोगिता के लिए बनाई गई थी इक्यावन बावन उसी वर्ष वह सामंथा बेयर्ट के साथ नाटक शूटिंग शोना में दिखाई देंगे पांच तीन दो शून्य शून्य आठ में डायरेक्ट टू वीडियो होरर फिल्म द गेटकीपर में अभिनय करने से पहले डाउनी एक बार फिर निर्देशक एबनर पास्टोल के साथ उनकी लघु फिल्म होमिसाइड डिवीजन बी पर काम करेंगे जो ब्रिटिश पुलिस के बारे में एक नाटकीय कॉमेडी थी चौवन पचपन छप्पन दो में डाउनी लघु फिल्म ए ग्रेट मिस्टेक में एचजी जी वेल्स के रूप में दिखाई दीं जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल के शॉर्ट फिल्म कॉर्नर और शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया सत्तावन अट्ठावन उसी वर्ष वह अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म द किंग्स स्पीच में ड्यूक ऑफ ब्लूसेस्टर की भूमिका निभाएंगे उनसठ साठ इकसठ अगले वर्ष उन्होंने माइकल चौबोरॉफ की नाटकीय कॉमेडी डायग्नोसिस सुपरस्टार में डैनी की भूमिका निभाई बासठ वह 2012 में एडी रेड ने और आरोन ट्वीट के साथ संगीतमय लेस मिजरेबल्स में अभिनय कर ने के लिए आगे बढ़े तिरसठ दो साल बाद डाउनी पारिवारिक फिल्म पैडिंगटन में खोजकर्ता मोंटगोमरी क्लाइड के रूप में दिखाई देंगे जो लेखक माइकल बॉन्ड की बच्चों की किताबों की श्रृंखला पर आधारित थी चौसठ 2017 डाउनी तीन फीचर फिल्मों में दिखाई दी पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वॉर मशीन थी जो एक फिल्म थी जो ब्रैड पिट के साथ अमेरिकी सेना के जनरल स्टेनली मैकक्रिस्टल से प्रेरित थी पैंसठ दूसरा निर्देशक माइकल बेकी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में एक कैमियो था जो ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की पांचवीं किस्त थी छियासठ वह वर्ष का अंत वर्टिकल एंटरटेनमेंट की बंधक थ्रिलर छः डेज के साथ करेंगे जिसमें आतंकवादियों द्वारा लंदन में ईरानी दूतावास की घेराबंदी का वर्णन किया गया है सड़सठ अगले वर्ष वह स्वतंत्र फिल्म द मर्सी में अभिनय करेंगे जो एक शौकिया नाविक डोनाल्ड क्राउहर्स्टर कॉलिन फर्थ की सच्ची कहानी है जिसने 1968 में संडे टाइम्स गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लिया था अड़सठ वह आगे बढ़ेंगे स्पेनिश लेखक और निर्देशक अल्बर्ट सियाम्मा की कॉमेडी आई लव माई मम्मी सहायक भूमिका उनहत्तर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि डाउनी को साइट्रस फिल्म की हॉरिबल हिस्ट्रीज़ द मूवी रॉटन रोमन्स में कास्ट किया गया था जो स्कोलास्टिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बच्चों की ऐतिहासिक कॉमेडी किताबों का रूपांतरण है सत्तर यह फिल्म जुलाई 2019 में यूके और आयरिश सिनेमाघरों में और नवंबर में अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है इकहत्तर सत्तर रंगमंच दाउनी कई स्टेज प्रस्तुतियों में दिखाई दिए हैं जिनमें न्यू एंड थिएटर में लेखक पीटर मैडॉक का 2007 का नाटक चार्ली एंड हेनरी और लंदन इंग्लैंड में किंग्स हेड में लेखक गेविन डेविस की 2008 की कॉमेडी फैट क्राइस्ट शामिल हैं सात दो सात तीन दो शून्य एक शून्य में वह बर्मिंगहम रिपर्टरी थिएटर में दो अलग अलग नाटकों में दिखाई दिए लुत्स हबंद का जर्मन नाटक रेस्पेक्ट उसके बाद सामंथा एलिस का यहूदी नाटक क्लिंग टू मी लाइक आईवी चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर वह उन्नीस विश्व कप फाइनल 2002 में यूके के दौरे पर पॉनोग्राफी और लंदन 2007 में द रोज़ थिएटर मेले जेट डी सांग में भी दिखाई दिए जो 500 में उनके पहले निवास का हिस्सा था साल सात सात दो शून्य एक पांच में वह हैम्पस्टेड थिएटर के लेखक माइकल फ्रेन के नाटक मैचबॉक्स थिएटर के निर्माण में दिखाई दिए पचहत्तर लेखन एक लेखक के रूप में डाउनी ने अपना पहला थिएटर पीस द डेड मून 2008 में कमीशन किया था इस नाटक ने यूके का दौरा किया और इसे एलेबुर्ग फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया जो वहां प्रदर्शित होने वाला पहला गैर ओपेराटिक टुकड़ा था सात आठ दो शून्य शून्य नौ में वह अपनी स्क्रिप्ट द रॉबिन विंस द स्प्रिंग के लिए न्यूयॉर्क स्क्रीन राइटर्स चैलेंज में हीट दो पहले दौर के असाइनमेंट तीस हीट में पाँच सौ चालीस प्रविष्टियों में से में चुने गए दो फाइनलिस्टों में से एक थे उनासी तब से उनके थिएटर कार्य में लंदन में दो हज़ार दस के ऑफ कट फेस्टिवल के लिए द कर्स ऑफ एलिजाबेथ फ़ॉल्कनर जिसे किंग्स हेड थिएटर में भी प्रदर्शित किया गया था और द रिवेंज ऑफ एनुबिस शामिल हैं आठ शून्य आठ एक दो शून्य एक शून्य में डॉवी ने द साउथवार प्ले हाउस के लिए द स्टोरी प्रोजेक्ट दो लव लाइज एंड लंदन और एटसेटेरा थिएटर के लिए ए पोर्ट्रेट ऑफ मॉरिन फ्लैंज लिखा बयासी तिरासी वीडियो गेम 22 अक्टूबर 2020 में डाउनी ने ट्विटर पर खुलासा किया कि वह आगामी वीडियो गेम बाल्डर्स गेट थ्री के लिए जादूगर गेल की भूमिका निभाते हुए आवाज देने का काम करेंगे चौरासी डाउनी दो एनिमेटेड शॉर्ट्स पचासी छियासी और हाई रोलर्स के एक एपिसोड में एक डीएनडी लाइव स्ट्रीम में अपनी भूमिका को दोहराएंगे जिसमें अन्य साथी आवाज कलाकार अपने अपने किरदार निभाएंगे सत्तासी फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक चरित्र टिप्पणिया 2002 मरे हुए आदमी का सपना वीडियो स्टोर ग्राहक 2004 स्विस पासपोर्ट नील छोटा शूटिंग शोना कला के ओली लघु फिल्म 2008 मानव वध डिवीजन बी जासूस लोनट्री लघु फिल्म गेटकीपर वेब वीडियो के लिए सीधे 2010 एक बड़ी गलती एच जी लघु फिल्म राजा की बात ब्लूसेस्टर के ड्यूक जॉकलिन जी एसिएन जन्म 7 मई उन्नीस सौ चौहत्तर नाइजीरियाई मूल की एक ब्रिटिश हास्य कलाकार अभिनेत्री और लेखिका हैं एक वह हिडन कैमरा शो तीन नॉन ब्लॉन्ड्स और अपने स्वयं के कॉमेडी स्केच शो लिटिल मिस जॉकलिन में अभिनय करती हैं दो जीवन और कैरियर एसियन का जन्म सात मई उन्नीस को हैकनी, लंदन में हुआ था तीन एक नाइजीरियाई माता पिता के घर उन्होंने रायन फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई की चार और शुरुआत में नाटक का अध्ययन छोड़ने से पहले कानून की पढ़ाई की गिल्ड हॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक वह 2003 में बीबीसी के हिडन कैमरा शो तीन नॉन ब्लॉन्ड्स से प्रमुखता में आई इसके अलावा वह द फास्ट शो और द बिल जैसी अन्य टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी दिखाई दी पांच 2006 में उन्होंने लिटिल मिस जॉकलिन नामक अपने स्वयं के कॉमेडी स्केच शो में लिखा और अभिनय किया जिसकी दूसरी श्रृंखला जनवरी 2008 में प्रसारित हुई यह शो टेलीविजन के इतिहास में पहली बार यूएस या यूके में प्रदर्शित हुआ एक अश्वेत महिला को अपना एकल कॉमेडी स्केच शो दिया गया है छ 2000 में एसीएन ने ब्लैक इंटरनेशनल कॉमेडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता सात और उन्होंने 2006 में वीमेन इन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स में न्यू टैलेंट अवार्ड जीता पांच 2007 में एसीएन ने वॉक दिस वे के लिए गर्ल्स अलाउड और सुगाबिब्स के कॉमिक रिलीफ वीडियो में अभिनय किया आठ जहां वह इवेन मैकिनटोश पर एक पार्किंग टिकट लगाती है जो शो लिटिल मिस जॉकलिन के चरित्र जिफी का संदर्भ है एसियन दसारा जेन एडवेंचर्स की दूसरी श्रृंखला में क्लाइड लैंगर की मां कार्ला के रूप में दिखाई दी नौ दो में एसीएन ने शो के दो और एपिसोड में भूमिका दोहराई जिसका शीर्षक डीएमटी प्लैनेट प्लेनेट था और एक और दो नवंबर 2010 को प्रसारित हुआ साथ ही पांचवी श्रृंखला की कहानी द कर्स ऑफ क्लाइड लैंगर में भी जो 10 को प्रसारित हुआ और 11 अक्टूबर 2011, 11 जून 2009 को यह कहा गया कि लिटिल मिस जॉकलिन को तीसरी श्रृंखला के लिए वापस नहीं लाया जाएगा नवंबर 2009 में एसीएन ने आईटीवी श्रृंखला कोलिजन में विटरेस सिंडी स्मिथ की भूमिका निभाई 2009 से 2012 तक उन्होंने बीबीसी रेडियो चार पर एक कॉमेडी ड्रामा ब्यूटी ऑफ ब्रिटेन की तीन श्रृंखलाओं में अभिनय किया 22 सितंबर 2010 को एसीएन बीबीसी थ्री फॉर वन नॉन ब्लोंड डाउन अंडर में लॉटीन जो नए के साथ आठ भाग का कॉमेडी स्टंट शो था चरित्र निर्माण वह न्यूजीलैंड दौरे पर एक उभयलिंगी रैपर और एक सोशलाइट जैसे किरदार निभाती है दस वह बीबीसी वन के रोनी कॉर्बेट क्रिसमस स्पेशल द वन रोनी में प्रसिद्ध ब्रिटिश हास्य कलाकारों के साथ भी दिखाई दी 2011 में एशियन ब्रिटिश कॉमेडी अनुवाहुड में ताशा के रूप में दिखाई दी ग्यारह और ब्रिटिश कॉमेडी शो सम गर्ल्स में भी बारह जनवरी और फरवरी 2013 में वह अमेरिकी नाटककार डॉन इवांस के वन मंकी डोंट स्टॉप नो शो में दिखाई दी दो ट्राइसाइकिल थिएटर में नाटक का लंदन प्रीमियर हुआ तेरह चौदह और उसके बाद उन्होंने दौरा किया राष्ट्रीय स्तर पर खेले पंद्रह दो हजार तेरह में वह गैंगस्टा ग्रैनी में केली के रूप में दिखाई दी एसीएंग की अन्य टीवी प्रस्तुतियों में ऑटम लीव्स एक बीबीसी कॉमेडी ड्रामा शामिल है सम गर्ल्स अंकल मैक्स आफ्टर यू हैव गॉन होलबी सिटी द लेनी हेनरी शो एड स्टोन इज डेड कॉमेडी नेशन द फास्ट शो डगलस द बिल और इन द नेम ऑफ लव टीवी फिल्म उन्होंने कई मंचीय प्रस्तुतियां भी दी हैं सोलह वह 2010 की फिल्म स्ट्रीट डांस तीन डी में दिखाई दी और अमेरिकी रियलिटी टीवी शो जॉन एंड केट प्लस आठ का एक एपिसोड लिखा सत्रह वह 2013 से 2014 तक बीबीसी कॉमेडी बिग स्कूल में हेडमिस्ट्रेस सुश्री बैरन फ्रांसिस डे लाटूर की निजी सहायक और डेफने नामक सचिव के रूप में भी दिखाई दीं एसियन पंद्रह अप्रैल 2022 को लंबे समय से चल रहे बीबीसी सिटकॉम नॉट गोइंग आउट में पीसीएसओ के रूप में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए निर्देशित है उनके फीचर निर्देशन डेब्यू में जो 2005 के उपन्यास बी मॉन्स्टर्स पर आधारित है एलन स्नो द्वारा इसका निर्माण लाइका ने किया है उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध में काल्पनिक यूरोपीय देश नॉर्वेनिया पर आधारित यह फिल्म एग्स की कहानी बताती है एक मानव लड़का जिसे कचरा इकट्ठा करने वाले ट्रोल्स द्वारा पाला गया था जिसे बॉक्स ट्रोल्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह उन्हें आर्ची पेनेलोप स्नेचर से बचाने का प्रयास करता है एक कीट संहारक यह फिल्म इस हाक हेम्पस्टेड राइट की पहली एनिमेटेड फिल्म थी जिन्होंने मुख्य नायक एक्स को आवाज दी थी और इसमें बेन किंसले एले फैनिंग डी ब्रैडली बेकर स्टीव ब्लम टोनी कोलेट जेरेड हैरिस निक फ्रॉस्ट रिचर्ड आयोडे की आवाजें थीं ट्रेसी मॉर्गन और साइमन पेग पांच तो इसका डायरेक्शन एलेक्स फ्लाय ने किया है जो कि पहले भी कई एक रोमांटिक मूवी कॉमेडी मूवीज का डायरेक्शन करते हुए आ रहे हैं और ये अब हमें प्राइम वीडियो पर नज़र आने वाले जी हाँ दोस्तों इनके द्वारा बनाई गई ये मूवी प्राइम वीडियो पर हमें देखने को मिलने वाली है बाकी इंडिया के अंदर जैसे हिंदी में लॉन्च किया जाएगा और और भी कई एक से मल्टीपल लैंग्वेज में से रिलीज़ किया जा रहा है तो सारी कुछ जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो बाकी किसी भी मूवी या सीरीज़ के बारे में कुछ भी चीज़ पूछनी हो बैक डिटेल अपडेट आप नीचे कमेंट कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में